हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम जे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत और आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट से बन जाने वाली बहुत डिलीशियस हेल्दी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है बीटरूट रायता। बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है और बहुत हेल्दी होता है ये खाने में। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं इस झटपट से बन जाने वाले रायते के बनाने की रेसिपी क्या है और इसके लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही कर्ड, जिसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड बीटरूट, आप चाहें तो बीटरूट का प्योरे भी डाल सकते हैं। साथ में हम ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड मिंट 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा बीटरूट का देखना, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायता बनेगा ये। अब इसे हम सीजन करेंगे ग्राउंडेड ब्लैक पेपरकॉर्न से, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। अगर आप इसे फास्टिंग के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे नवरात्रि के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें चाट मसाला नहीं डाल रही। साथ में हम डालेंगे इसमें रॉक सॉल्ट टू टेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाला टेस्टी रायता है ये। बीटरूट रायता बनकर तैयार है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। बीटरूट रायते को मैंने सर्व कर दिया है, इसे मैंने गार्निश किया है बहुत ही ब्यूटीफुल से बीटरूट एंड मिंट के फ्लावर से, और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। ग्राउंडेड ब्लैक पेपरकॉर्न। तो लीजिए, हमारा बढ़िया सा बीटरूट रायता बनकर तैयार हो चुका है। दिखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रायता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नवरात्रि। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।